8 6 3 6 3 9 3 6 4. Zero, three, zero. अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो वहां पे? होता क्या है वहां पे? चलता क्या है वहां पे? वहां पे ढिल्लू अपने सस्ते प्रोडक्ट्स की मशहूरी तो नहीं ना करता तुम लोगों को? रिकॉर्डिंग शेयर करते हो? कौन सी रिकॉर्डिंग? हमें तो इन नजाकतों का आपने बताया ही नहीं है। जी डॉक्टर हीरा, नहीं नहीं मुझे नहीं ऐड करना, आप लोग एंजॉय करो। मैंने तो इसलिए वो ग्रुप भी जो है ना वो म्यूट किया, क्योंकि मैं जो भी ग्रुप बना था मैं म्यूट कर देता हूँ, ताकि वहां पे सोवरेन अथॉरिटी सिर्फ मेरी हो। आई लव अथॉरिटी। अच्छा मेरी बात सुनो, कल हमने एक चीज पढ़ी थी और उसका नाम था ड्रामा। मैंने तुम्हें ड्रामे के सारे पहलू बता दिए, फिर मैंने तुम्हें कहानियां बता दी, और फिर मैंने तुम्हें सिखाया कि तहकीक को तनकीद कैसे करनी। अब तहकीक को तनकीद बड़ी सिंपल है, उसमें अच्छी बातें निकालें, उसमें बुरी बातें निकालें, वही उसकी तहकीक तनकीद होती है। एक ड्रामे से एक से ज्यादा बातें भी निकल सकती हैं, एक ड्रामे से एक से कम बातें भी निकल सकती हैं, लेकिन वेटेज कब मिलेगा आपको? जब आप तहकीक को तनकीद करते हुए ड्रामे का रेफरेंस देंगे तब आपको वेटेज मिलेगा। आप बात करते हैं औरत की नुमाइंदगी और आप फिर रेफरेंस दें किसका, गुगू और घोड़े का, कि सिलकनी को उसने बचाया एंड ऑल दैट। फिर आप बात करते हैं बुराई का जवाब अच्छाई नाल, फिर जिक्र करें पिंजरे का कि माई मीरा ने उसको जो है वो कहा जाके खाना खिलाया। फिर आप करते हैं नफ्सियाती उलझनों का, तो रेफरेंस दें जिन्हें नैन निंद्रावले। अंदर की सफाई की बात करते हैं तो रेफरेंस दें उसका। तो समझ आ गया था? इजी था ना? आज हमने पढ़ना है नावल। डॉक्टर जैनब ने भी, डॉक्टर सारा ने भी कुछ पूछा था, जैनम ने भी कुछ पूछना है। जी क्या पूछना है?
डॉक्टर सर, आपने क्या पूछना था? नहीं डॉक्टर जैनब, हेडिंग मैंने आपको कहा था कि मिनिमम 8 होने चाहिए। आप लोग इस बात को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? जैसे किसी की कोई किताब होती है, उसके अंदर 5 चैप्टर्स होते हैं, वो उसकी ड्रामों की किताब है, उस किताब के अंदर 5 ड्रामे। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस 5 ड्रामे की बेशक 10 हेडिंग बना लें, आप पे डिपेंड करता है। आप उसके 5 ड्रामे को 10 हेडिंग, मतलब जो पिंजरा है वो बड़ा अच्छा ड्रामा है, उसकी आप बेशक 20 हेडिंग भी बना सकते हैं। तो 5 जो है वो नंबर ऑफ ड्रामाज हैं उसके अंदर जनाब। यार ड्रामे का एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 हेडिंग होनी चाहिए। लोग 8 कहते हैं लेकिन मैं 10 कहता हूँ, एटलीस्ट 10 हेडिंग होनी चाहिए। एक हेडिंग तो इंट्रोडक्शन और तारफ तो वो तो हो ही जाता है, एटलीस्ट इसमें 8-10 हेडिंग होनी चाहिए मैक्सिमम। जितनी मर्जी आपके पास जितना टाइम बचता है उतनी मर्जी उसमें अंदर ऐड कर लें, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम के पास कितना टाइम बचता है। जी अमन, स्टार्ट में तो ड्रामे, यार ड्रामा क्या मतलब? ड्रामा ये नहीं लिखना कि तुमने हर ड्रामे की डिटेल नहीं लिखने बैठ जानी, हर ड्रामे की वहां पे डिटेल आपने उसका फनी तजिया करना है, आपने बस ड्रामों के नाम लिखने हैं, डिटेल्स नहीं लिखनी ड्रामे की। आपने लिखना है कि आपने उस ड्रामे से क्या अखज किया, व्हाट इज योर योर स्टांस ऑन इट, व्हाट मैसेज यू हैव गॉट फ्रॉम इट। यू डोंट हैव टू रीड द डिटेल ऑफ अ ड्रामा। मुकालमा लिखें, आप मुकालमा लिखें, लेकिन वो तो उसकी एक्सप्लेनेशन में आएगा ना, ड्रामे को तो आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखें बस। यार आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता, पता नहीं यार भी मेरी गलती है जो मैं इसको अच्छे तरीके से नहीं बता सका। तो कोई बात नहीं, मैं पहले आपको कल वाला बताता हूँ, मुझे लगता है किसी को वो बात समझ नहीं आई, तो फिर हम आगे चलते हैं। देखो कल हमने एक ड्रामा पढ़ा, ड्रामे की किताब पढ़ी, किताब का नाम है, मैं बताता हूँ ना, मैं अभी आपको वो सारा बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। होल्ड ऑन, मैं अभी इसका ना आपको खुलासा बताता हूँ। जस्ट होल्ड देयर। तुम लोगों ने बुक से पढ़ा था, बुक से पढ़ा था तुम लोगों ने, बॉदर किया था, तो फिर तो मेरे ख्याल में इशू नहीं होना चाहिए अगर तुमने बुक से पढ़ा था तो। जिन लोगों ने बुक से भी नहीं पढ़ा तो फिर तो मसला होगा। चलो जिन लोगों ने नहीं, क्लियर, मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। देखो ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बोल मिट्टी दे बाविया दे ड्रामे विचों की सबक मिलता है। और नीचे दिया हुआ है, बोल मिट्टी दे बावे नू मुख धर के सजा दे दर्दी मुकालमा निगारी दा वेरवा करो।
ठीक है, पहला पूछता है कि ड्रामे में चुकी की सबक मिलता है। दूसरा पूछ रहा है मुखदर के सजाद अली मुकालमा निगारी कर। वो मेरी गल सुनो, उनके विच अगर वो पूछ रहा है ना बोल मिट्टी दे बावया, ते बोल मिट्टी दे बावया एक ड्रामा नहीं है, वो पूरी एक ड्रामे की किताब है। उस ड्रामे के अंदर, उस किताब के अंदर कितने ड्रामे ने? पांच, जेड़ा असी नमोनिक याद किया कि सब गप जे। हुण जदों फॉर मिसाल दे तौर ते असी पहला सवाल अटैम्प्ट कर रहे हैं कि ड्रामे विचों की सबक मिलता है, तो तुसीं स्टार्ट इस तरह करना है कि बोल मिटी दिया बाबिया, ठीक है, सजाद दे ड्रामे ने, इस ड्रामे की किताब के अंदर उन्होंने असल ते पांच ड्रामे ने। हुण तुसीं इत्थे पंजां दे नाम लिखते हो, ठीक है, फिर उन्हों छोटा जिहा खुलासा लिखो कि इन्हां ड्रामे दे विच सानूं ए ए ए सबक मिलता है, ठीक है। उन्हें सबक तो बाद तुसी एक हैडिंग लिखो, एक हैडिंग लिखो, तुसी लिखो मिसाल के तौर पर अंदर ली तामीर। हुण मैं तुहानूं ये नहीं कह रहा कि तुसी ये सारे ड्रामे एक्सप्लेन करो, अंदर ली तमीर दे विच तुसी लिखो कि सजाद अदर दे ड्रामे दे विचों सानूं ये सबक मिलता है कि असी अपने बातन की सलाह करिए। मिसाल के तौर पर वो अपने एक ड्रामे जिंदा नाम सच दा मुहांदरा है, उन्दे विच साड़ी सलाह वास्ते बड़ी खूबसूरती दे नाल दो बंदयां दा आपस में मुकालमा करवाते हैं, फिर थोड़े जे मुकालमे लिख दो, मुकालमे तो बाद एंड कंक्लूड कर दो इस ड्रामे तो सानू ये सबक मिलता है कि इस तरह करना है। फिर कोई होर हेडिंग लिखो, बुराई दी भलाई नाल जवाब, ठीक है, फिर लिख दो कि बुराई दा भलाई नाल जवाब देना चाहिए ये वो। बाबा फरीद भी सानू इसी चीज़ का हुक्म देते हैं, बाबा फरीद का शेर लिख लो। इन्होंने की किया, इन्होंने अपने एक ड्रामे दे विच जिंदा नाम की है पिंजरा, पिंजरे दे विच माई मीरा का सारी डिटेल लिख के सारे लिख देना कि इस तो साबित होया कि सानू अच्छाई का सबक मिलता है। आई एम क्लियर कि मैथ्स वी शुड गो फॉर 10 हेडिंग्स, यू हैव नॉट गॉट माई पॉइंट सर। आपने कहा कि हर हेडिंग में एक ड्रामा मेंशन करना, सो लेट्स से मिट्टी दे बाबा के अंदर पांच ड्रामे हैं, सो 5 हेडिंग में ये आ जाएंगे। बाकी हेडिंग वुड बी विदाउट ड्रामास, राइट, और वी कैन रिपीट वन ड्रामा इन अनदर हेडिंग ऑल्सो। जी जैनब ऐसे ही है, ठीक है, आप एक ड्रामे को 3 हेडिंग्स के अंदर भी रिपीट कर सकते हैं, आप एक ड्रामे को 4 हेडिंग के अंदर भी रिपीट कर सकते हैं। मसलन पिंजरा है, अब पिंजरे के अंदर बहुत सारे लेसन्स हैं, तो आप इस पिंजरे को 5 हेडिंग के अंदर भी रिपीट कर सकते हैं। मेरा नाम है बिलाल पाशा, ठीक है, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो, सो लेट मी आस्क इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। ओके, मुकालमा निगारी दा वेरवा किस तरह करना है, मुकालमा निगारी दा वेरवा किस तरह करना है। हुण वेखो तुसी इन्ना थोड़ा जिहा ना अकल लिखवाउंदा ना अकल, उहनूं भी इस्तेमाल करो कि मुकालमा निगारी विच भी उही गल है कि शबीर मेरा सब तो अच्छा दोस्त है, उहदे अब्बा भी पुलिस विच, मेरा अब्बा भी पुलिस विच है। मुकालमा निगारी विच ही मैसेज ही है बुराई नूं खत्म करना, लेकिन जिम्मे उ डिटेल पढ़ी सी इतने थोड़े मुकालमे लिख देने ने, ठीक है, मतलब सरखुश उन अगे लिख देना है एज एन, ते अगे लिख देना कि इन्ह मुकालमे के जरिए साबित होता है कि किस तरह उन्होंने अपने ड्रामे च साबित किया है कि बुराई का खात्म होना चाहिए। जी मेरे ख्याल में इस्लाम में पहली क्लास से ही आपको यही सिखाता आ रहा हूं, और बल्कि मैंने आपको सीएसएस में भी ओवरऑल यही सिखाया है कि यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ ट्विस्टिंग। अगर आपने यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद किए हुए हैं, ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं,
फॉर इंस्टेंस आपने याद किया हुआ तीसरा, आप तीसरे को याद कैसे करना है कि अगर आप इसकी स्माइली बनाएं तो ऐसे बनेगी, पर ऐसे स्माइली बनाएं तो क्या बनता है? दिल बनता है, ठीक है। और दिल किस चीज से रिलेटेड होता है? हार्ट किस चीज से रिलेटेड होता है? हेल्थ से। तो जो उनका थर्ड गोल है, SDGs का जो थर्ड गोल है, दैट इज अबाउट हेल्थ एंड वेल बीइंग। द थर्ड गोल इज अबाउट गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब इस थर्ड गोल को आप अपने करंट अफेयर में, आप अपने पाक अफेयर में, आप अपने IR में यूज कर सकते हैं। रेफरेंस हर दफा चेंज कर देना कि पाकिस्तान बीइंग द मेंबर ऑफ UN, पाकिस्तान हैज साइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गोल नंबर थर्ड सेज टू इंश्योर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। पाकिस्तान बीइंग द मेंबर ऑफ द UN मस्ट डू एक्शंस इन दिस रिगार्ड। मुकालमे थोड़े से आपने याद कर लेने हैं। जैसे गोल नंबर 5 है उसका, अब पांचों उंगलियां बराबर होती हैं नहीं होती? पांच उंगलियां बराबर नहीं ना होती, तो बराबर क्या नहीं होता? जेंडर। तो पांचवा गोल है अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी। तो जहां पे भी जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो, ठीक है, तो सुकून से आप लिख दो यहाँ पे कि जनाब जो है ना, पाकिस्तान क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मेंबर है, पाकिस्तान UN का मेंबर है, सो पाकिस्तान मस्ट डू एक्शन इन दिस रिगार्ड। जैसे 8 है, 8 वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है, और वर्किंग आवर्स कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे काम करना होता है। तो आई थिंक 8 इज अबाउट गुड वर्किंग कंडीशंस, तो इसके बारे में आप लिखो, ठीक है। नाउ टेल मी अगेन, आर यू क्लियर? ये सारे पॉइंट्स कोशिश करनी है याद करने हैं। सर अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बस एक ड्रामे का नाम लेके हमें लिमिट कर दिया है, तो फिर भी हम बाकी ड्रामे ऐड कर सकते हैं फॉर रेफरेंस। सैयद मलिक, आप मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको उठाऊं और वहां पे उस देश में फेंक दूं जहां से आपकी आवाज ना वापस आए। और काश आप लड़का होती प्लीज, मैम बड़ा मजा आता मुझे। पुत्र एक ड्रामा वो क्यों पूछेगा? वो उल्लू का पट्टा है, उसको नहीं पता कि एक ड्रामे में से क्या लिखेगा वो। एक ड्रामे से कोई बंदा क्या लिख सकता है? कुछ भी नहीं लिख सकता। हमेशा वो बुक का पूछता है, हमेशा वो बुक का पूछता है। नाउ आई एम आस्किंग अगेन, डू यू हैव एनी इश्यू इन ड्रामा? जैनब, डॉक्टर सारा, एसन, क्लियर? चलो आज हमने पढ़ना है नॉवल, ठीक है। सर इन्हें कहें कि पिछले 10 ईयर्स के पास्ट पेपर्स देखें, इनको समझ आ जाएगी। नहीं मारी, आपने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। आपने पास्ट पेपर हमेशा पिछले 5 साल के देखने हैं, क्योंकि 2016 में आपका कोर्स जो है वो चेंज हो गया था। 2016 से आपने हमेशा ऑनवर्ड देखना है, क्योंकि 2016 में क्वेश्चन जो है ना वो पे जो है ना वो पैटर्न चेंज हुआ था। तो पास्ट पेपर कोशिश किया करो 2016 से ऑनवर्ड देखा करो, 2016 से पीछे ना जाया करो। और 5 साल के पेपर्स मोर देन इनफ होते हैं आइडिया लेने के लिए। चलो आज हम करते हैं नसीम, अभी हम क्या पहले बकवास कर रहे थे? पहले भी हम पढ़ ही रहे हैं। यार मेरा ना तुम्हें यकदम ना जो फैसलाबादी है ना वो जाग जाता है। जिंदगी के पूरे 7 साल फैसलाबाद गुजारे हैं, तो वो क्या करो, मजबूर हूँ यार, I'm sorry। नसीम बुरा तो नहीं मनाया आपने? नसीम सही है, अगर आप बुरा मना भी लेंगे तो फिर आप क्या कर लेंगे? अच्छा आज हम पढ़ते हैं नावल, ठीक है। नावल क्या होता है?
ठीक है, नावल क्या होता है? नावल ये होता है, पुत्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोई कपल नहीं बनते। जब हम पढ़ते थे तो किसी लड़की से बात करते थे ना, तो आगे से ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे पता नहीं उसका गुर्दा मांग लिया हो हमने। बिलीव यू मी, मतलब गुर्दा नहीं मांगा होता था, थोड़ा सा दिल्ली मांगा होता था। लेकिन खैर, आज हम पढ़ते हैं नावल। ठीक है, नावल जी होता है, नावल किसका जबान का लफज है? नावल लफज है इटालियन जबान का, और किससे निकला है? निकला है नोवेला से। अब नोवेला का क्या मतलब होता है? नोवेला का मतलब होता है अनोखा, निराला, ये वो। अपने याद क्या रखना है? याद की रखना है, याद की रखना है, याद ही रखना है कि जेड़ा नावल का मौजू होंगे वो की होंगे। नावल का मौजू ये होंगे कि किसी भी एक किरदार की पूरी हयाती के उत्ते डिबेट की जाती है। किसी भी एक किरदार की शुरू तो लैके उनकी जिंदगी दे शुरू तो लैके आखिर तक, शुरू तो लैके आखिर तक उस बंदे दी जिंदगी ते, उस किरदार दी जिंदगी ते डिबेट की जाती है। ठीक है, ते नावल दे विच की होंदा है जेड़ी उस दी हकीकी जिंदगी उन्हें गुजारी होंदी है, उस हकीकी जिंदगी दी अकासी की जाती है। वेरी सिंपल। हुण नावल का मकसद की होंदा है? नावल का मकसद बड़ी सादा जी गल है। नावल का मकसद यह होंदा है कि एक इंसान की जिंदगी ते बयान हो रही होंदी, लेकिन मकसद इंसान की जिंदगी बयान करना नहीं होंदा। मकसद की होंदा है? मकसद यह होंदा है कि उस इंसान की जिंदगी तो मुआशरे वास्ते केड़े केड़े इखलाकी मुआशी इसलाही पहलू निकलते ने। ठीक है, तो नॉवल जड़ा होंदा है वो थोड़ा जिहा सब्जेक्टिव भी होंदा है। नॉवल जड़ा होंदा है वो थोड़ा जिहा सब्जेक्टिव भी होंदा है। मतलब की हो गया मेरी गल का? सब्जेक्टिव इस तरह होंदा है कि जिहड़ा बंदा नावल निगारी कर रहा होंदा है, जिहड़ा उस बंदे दी जात दा जाती मुतालिया होंदा है, या जिहड़ा उस बंदे दी जात दा जाती फलसफा होंदा है, वह भी वो उस नावल दे विच पेश कर देंदा है। इस वास्ते अगर तुम थोड़ा जिहा एक हिस्ट्री पीरियड है रेनेसा, अगर तुम थोड़ा जिहा रेनेसा दे पीरियड दा आइडिया होवे, या इस तरह के कुछ वड्डे नावलों का आइडिया होवे, ते वड्डे नावल का मकसद भी की होएगा? वड्डे नावल का वड्डा मकसद होंदा है, मसलन जिहड़े वड्डे वड्डे इंसानियत दे इनकलाब आए ने, उन्होंने इंसानियत दे इनकलाबां दे पिछे किसे एक शख्स दी सोच सी, ते ओ सोच जिहड़ी है ओ सोच उन्हें इन्हां नावलां राहीं इन्हां मुख्तलिफ गल्लां राहीं लोगों नाल पेश करता है, जिंदे विचों एक जिहड़ी शक्ल है गल्लां करन दी, अपना पैगाम पहुंचाउण दी, जिहड़ा एक सनफ है, जिहड़ी नसर दी एक सनफ है, ओ की है? नावल है। ठीक है, हुण इंटरेस्टिंग गल ए वे नावल दे भी जिहड़े बुनियादी अनासर ने, नावल दे भी जिहड़े बुनियादी अनासर ने ओ ही ने जिहड़े किंदे होंदे ने, जिहड़े ड्रामे दे होंदे ने। ठीक है, मैं दसो कि ड्रामे दा पहला पहला जुज कि कहड़ा सी? कहानी
कहानी नहीं, वो तो नहीं, तरतीब से ना, कहानी दूसरा की सी। प्लाट तीसरा, किरदार चौथा, मुकालमे ठीक है, पंजवा जबानों बयान, ते आखिरी की सी माहौल ते मंजर नगारी। कोई मुश्किल तो नहीं ना है, मतलब नावल का भी जदों तुसी फनी ते फिक्री तजिया करना है, नावल का भी जदों तुसी फनी ते फिक्री तजिया करना है, उन्हें बेच भी उ अनासर चल रहे होंगे ने। ठीक है, यह गल क्लियर है तुम्हें? हुण अगे आ जांदी ने कि नावल दियां किस्मां की ने। नावल दियां बड़ियां वनसवनियां किस्मां ने। कुछ नावल जसूसी होंदे ने, ठीक है, कुछ नावल मुआशरती होंदे ने, कुछ नावल इसलाही होंदे ने, कुछ तारीखी होंदे ने, ठीक है, कुछ की होंदे ने नफसियाती होंदे ने, कुछ रोमानवी होंदे ने। लेकिन इन्हां सारियां किस्मां दा बुनियादी मकसद की होंदा है? मकसद की होंदा है? ताकि जिहड़ा नावल दा लिखारी होंदा है उस दे ज़ेहन दे विच, नावल दे लिखारी दे ज़ेहन दे विच जिहड़ा पैगाम होंदा है उस नूं ओ लोकां तक पहुंचा देवे। लेकिन अपने पैगाम नूं पहुंचाउण वास्ते ओनू की चाहिदा होंदा है? यह हुण तुहाडा इम्तिहान है, दसो अपने पैगाम नूं पहुंचाउण वास्ते उन्हें की चाहिदा होंदा है? वेरी गुड जुजियात, शाबाश। ठीक है, कहानी चाहिदी होंदी है, प्लाट चाहिदा होंदा है, किरदार चाहिदे होंदे ने, मुकालमे चाहिदा होंदा है। समझ आ गई है? मैं जो समझाना चाह रहा है क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा पंजाबी दा नावल जिहड़ा सी ओ पहला नावल सी 1898 दे विच, ओ सी सुंदरी, ते ओ लिखिया सी भाई वीर सिंह ने। उस तो बाद मुसलमाना दे विच जिहड़ा पहला नावल लिखिया सी ओ लिखिया सी जट दी करतूत, ये लिखिया सी मीरा बख्श मिनहास ने। फिर एक बड़ा मशहूर नावल है हिट, PMS दे विच है, ठीक है, ये लिखिया सी डॉक्टर मुहम्मद बाकर ने। ते जिहड़ा नावल CSS दे विच है वो है वे दीवा ते दरिया, ठीक है, ये लिखिया सी अफजल एसन रंधावा। जे लोग फैसलाबाद तो है ने उन्होंने जरूर इन्हें नाम सुने होगा। रिसेंटली डैथ हुई सी इन्हें 2017 के विच, MNA भी रहे सन, होर भी बड़िया उची उचिया पोस्टा ते रहे सन, अफजल एसन रंधावा। हुण मैं तुहानूं एक मिनट दे विच ना इन्हें किरदार क्लियर करवा दिना, तुहाडी स्टोरी मैं क्लियर करवा दिना। जदों तुहानूं स्टोरी क्लियर हो जाएगी इस ते डिबेट असी आटोमैटिक कर लांगे। एवें ही है, चलो हुण पहले इन्हें किरदार करने हैं, तुसीं बस एवें एक मिनट वेट करना, जस्ट 1 मिनट वेट।
अच्छा, इस नावल की जी बुनियाद है ना, बुनियाद बुनियाद जी है वे, वो है वे खानदानी दुश्मनी ते। इस नावल की जी बुनियाद है वो है खानदानी दुश्मनी ते। ठीक है, जो तो खानदानी दुश्मनी के उत्ते है तो जहरी गल है उनके दो खानदाना जिक्र होगा, एवं ही है। जो खानदानी दुश्मनी ते है वे ते दो खानदान का जिक्र होगा। ठीक है, जिंद जो एक खानदान सी वो है वे रंधावे, ते दूजा खानदान है वो है संधु। ठीक है, हम जो दोवे खानदान ने ये पंजाबियों की अगू किस्म ने बन सवनिया। ठीक है, सॉरी आई गेस इसका थोड़ा सही हो गया, अभी क्लियर हो जाता है, जस्ट होल्ड ऑन। रंधावे ते सिंधु, ठीक है, जटां दियां दोवें सब कास्टां ने। ठीक है, इन्हां दोनों की आपस में दुश्मनी सी, इन्हें दोनों की आपस में दुश्मनी सी। हुण दुश्मनी नूं आपां अगे चलाना है, उस वास्ते सानूं की चाहिदा होगा, दुश्मनी नूं अगे चलाने वास्ते की चाहिदा होगा सानूं, किरदार, कोई कहानी, कोई सुलझाओ, कोई उलझाओ। ठीक है, ते पहले रंधावे दे किरदार करने हैं। रंधावे दे विच दो किरदार ने, एक है वे सरदार उजागर सिंह रंधावा। ठीक है, ते सरदार उजागर सिंह रंधावा दी बुढ़ी है महिंदा। मैं अपनी आसानी वास्ते मैं शहन जी करना कि जिन्हें शादी हुई हो ना उन्होंने मैं क्रॉस ला लेना, फिर मैं आइडिया हो जाता है, तो जो उन्होंने सिबलिंग होंगे ने उन्होंने मैं क्रॉस के थले लिख लेना। उन्होंने दो सिबलिंग सन, दो पुत्र सन, सॉरी, एक सी शमशीर सिंह रंधावा, ते एक सी हरबचन सिंह रंधावा। ठीक है, रंधावे की फैमिली कंप्लीट हो गई। सरदार उजागर सिंह रंधावा, गुडी महिंदा, दो पुत्र, एक शमशीर सिंह रंधावा ते एक हरबचन सिंह रंधावा। ठीक है, संधुआ की फैमिली, संधुआ की फैमिली ये है सी सरदार करतार सिंह संधु, कि इनकी बीवी उनका नाम नहीं मैंशन किया नावल दे। ठीक है, हम इंपोर्टेंट गल ये वे कि इनकी एक कुड़ी होंगी है रोपो, ते एक उनका पुत्र होंगे है उनका नाम है रजिंदर सिंह संधू। कहानी जो हीरो है वो है वे शमशीर सिंह रंधावा, यह उन्होंने छोटा पुत्र है, ते हरबचन सिंह उन्होंने वड्डा पुत्र है। ते कहानी दी हीरोइन है रोपो। ठीक है, हुण तुसी अल्टीमेटली समझ लो कि खानदाना च की है, दुश्मनी है। ठीक है, ते शमशीर सिंह रंधावा ते रोपो नू आपस विच प्यार हो जाता। मजा तो ता है, तुहानू सारी कहानी समझ आ चुकी होगी। ठीक है, हुण इस कहानी नू अगे चलाने वास्ते कुछ होर भी सानू किरदार चाहिए ने। ठीक है, कहानी नू अगे चलाने वास्ते
ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ CSS ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਸਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੇਲੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੱਗ ਵੱਟ ਬਿਰਾ। ਪੱਗ ਵੱਟ ਬਿਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੱਗਾਂ ਵਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੱਗ ਵੱਟ ਬਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗੂੜੀ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਯਾਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਵੱਟ ਬਿਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬੇਲੀ ਬਣਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੇਲੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਹਾਕਿਮ ਖਾਂ ਖਰਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਕੂ ਖਰਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਹੈਡਿੰਗਸ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਵੇਰਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਐਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਕਿਮ ਖਾਂ ਕਰਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਨਵੀਂ ਐਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੈੜੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਬੈੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਬੈੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸੇ ਇੰਦਰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੀ ਵੇਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਵੱਜਦਾ ਵੱਜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੱਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦਾ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਰੋਪੋ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਪੋ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਫੈਂਟੀ ਪੁੰਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਛ ਨਿੱਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਛ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ
ताजा नाई, ठीक है, हाका माछिन, माछी का पता है ना, माछी, माछन जो पैगाम वगैरह लेके जाती है, घरों में फ्रीली फिर सकती है। ठीक अच्छा, उसके बाद निक्का ईसाई, ठीक है, हुन नाइया का काम की होंगे, मतलब घर निके निके काम करना, ठीक है, घर निके निके काम कर देना ये वो, लेकिन तुसी ये इसते स्टार ला लो, निके साई का बड़ा एक इंपोर्टेंट रोल है, ये पहली दफा रोपो नो ते किन्नो भला होर शमशीर सिंह नो कठिया वेखदा है, ठीक है, रोपो नो ते शमशीर सिंह नो कठिया वेखदा है, ते दस किनू देंदा आके दस देंदा है हाकू खरल नो, हाकू खरल कौन है, उनका बेली है, किंदा किंदा बेली है, मतलब किरदार आदि याद करवाने सारे दे सारे, उजागर सिंह दा दोस्त है, ठीक है, उस बाद हाका माछन ओ ए जेडी घर विच फिरदी टुरदी है, हाका माछन दा भी रोल बड़ा इंपोर्टेंट है, हाका माछन पता की करती है, हाका माछन एक ते जाके स्नेह देंदी है रोपो नू कि वो शमशीर तेन उत्थे मिलेगा, जी, जो जात होती है शमशीर तेरा उत्थे इंतजार कर रहा है ये वो, लेकिन हाकन माछन दा ते बड़ा इंपोर्टेंट रोल है कि रोपो की शादी हो रही होंगी किसी होर नाल, ते फाइनल डे शमशीर सिंह दा जाके मैसेज देंदी है कि वो रात नू तेरा उत्थे वेट करेगा, तू उन्हों जाके मिल ली, ठीक है, उस बाद निक्का ईसाई, निक्का ईसाई वही है कि जेड़ा डंगरा दे काम शाम करता है ये वो, साइड एडिंग की बन जाएगी, साइड एडिंग की बन जाएगी पंजाब विच, माड़े लोगों के किरदार, इन केस अगर वो किरदार नहीं पूछता तो तुम मैं हेडिंग्स क्रिएट करना सिखा रहा, समझ आ रही जे कि डिबेट किस तरह करनी है, तनकीद किस तरह करनी है, ये ना कल फिर उत्थे बैठे हो सारे नु की करना हो, समझ आ रही जे, सुदागर सिंह रोपो नु छेड़दा है, सुदागर सिंह रोपो नु छेड़दा है, ये तो जारी बात रूपन शेड तो गुस्सा किनू आएगा शमशीर सिंह नू, तो जब पिंड के निके निके किरदार ताजा नाई, इंपोर्टेंट गल की याद रखनी है, रोपो तो पहला दफा वेखता है, ठीक है, हाका माछिन ते निक्का ईसाई, ठीक है, उस तो बाद इवन के मैं इन्ना को एक्सप्लेन किया है होमवर्क किया था कि मैं जानवर के भी नाम लिखे थे, एक जानवर है बग्गा, बग्गा है हर बचन का गोरा, ठीक हो गया, उसके बाद मुलाकात दिया थावां, एक मिलते ने बसंतर थे, बसंतर नाले से मुलाकात होंगी अक्सर नदी, दूजा ने मुलाकात होंगी है
गुरुद्वारे। तीजी इनकी मुलाकात होंगी है मड़िया वाले खूह से। हूँ कुछ एवं जे किरदार जिन्होंने बस गल पूरी करने वास्ते रखा गया है, कुछ एवं जे किरदार दे विच एक है जिंदो। जिंदो कौन है जी? जिंदो है शमशीर सिंह दी मासी दी दी। लेकिन जिंदो का चक्कर होता है हरबचन सिंह नाल, सॉरी जिंदो का चक्कर होता है, हाँ सही लिखा जी, हरबचन सिंह नाल। हरबचन सिंह कौन है? दसो कौन है हरबचन सिंह? दोवें भरा ने। वड्डा मुंडा है, ठीक है। हाँ शमशीर दा भरा है। हुण जिंदो जिंदो दी मंगनी हो जाती है शमशीर नाल, जिंदो दी मंगनी किन्ने नाल हो जाती है? शमशीर नाल। चक्करों का किन्ना लंदा है? हरबचन नाल। शमशीर कहता भी जिंदा भार है, जिंदा बाहर है वो ही चुके, मैं क्यों चुका? वो खैर नाल जाता है तो जिंदू तो जाके गाटा ला देता, मार देता उन्हें, ठीक है। तो एक किरदार है आखिरी किरदार है जरा, वो है तीजा सिंह बाजवे दा मुंडा। तीजे सिंह बाजवा कौन है? तीजे सिंह बाजवा वो मुंडा है, वो मुंडा है शमशीर ने मारे ना रणजिंदर नू, शमशीर ने मारता शमशीर ने, कि मेरी मंगनी क्यों कराई जदों नार बचना तलो के वही सामने ना, जिंदा बाहर है वही सांभे, मैं क्यों सांभा? तीजा सिंह बाजवे का मुंडा ओ किरदार है जिंदी नाल रोपो दी शादी हो रही होंगी है। ठीक है, हीरो बस चवल ही है, हीरो दी कोई डी को खास गलबात नहीं है, क्योंकि इस नावल का एंड अजीबो गरीब होता, पता नहीं चलता कि की हो दा की हो गया। हुण थोड़ी जी डिस्क्रिप्शन सीन ये होंगे कि दोवे खानदान की दुश्मनी होंगी है, ठीक है। दोवे खानदान हर दफा बाबा हसन शाह का मेला लगता है, उन्हें बाबे हसन शाह के मेले तो तुझे की हैडिंग लिखनी है, जी सैपरेट हैडिंग बनेगी की लिखनी है? सांझा पंजाब नजर आ रहा है कि मुसलमान दे बाबे दा मेला है, लेकिन सारे जा रहे हैं, ठीक है। बाबे हसन शाह दा मेला है, उत्थे घुड़ दौड़ आउंदी है, ठीक है। ते घुड़ दौड़ दे विच हर दफा जिहड़ा हरबचन दा घोड़ा है, जिहड़ा हरबचन दा घोड़ा है बग्गा, वह जित जांदा है। सीन ये होंदा है कि अगले दिन दौड़ होनी होंदी है, अगले दिन दौड़ होनी होंदी है, दौड़ दे विच ना दो बंदियां दा बड़ा टफ कंपटीशन होंदा है। एक होंदा है टफ कंपटीशन हरबचन दा, हरबचन दा टफ कंपटीशन होंदा है रजिंदर नाल। रजिंदर कौन है भला? रजिंदर कौन है? रोपो दा भरा, ठीक है, रोपो दा भरा है रजिंदर। हुण सीन ये होंदा है कि रात नूं की होंदा है कि जिहड़ा हरबचन सिंह है
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਰਾਤ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਵੀ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਛਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਛਾ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਹੁਣ ਸੀਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਪੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੋਪੋ 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 ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੋਪੋ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਰਾਤ ਘੋੜੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੋਪੋ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੋਪੋ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਫੜੀਦਾ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਕਾਬ ਨਕੂਬ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਪੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਨ ਵਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਸੀਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਰੀ 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 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬਸੰਤਰ ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਜਾ ਨਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਜਾ ਨਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਨੂੰ? ਹਾਕਿਮ ਖਾਂ ਖਰਲ ਨੂੰ। ਹਾਕਿਮ ਖਾਂ ਖਰਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਚ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਘੋੜਾ ਬਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਿਮ ਖਾਂ ਖਰਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਿਮ ਖਾਂ ਖਰਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਵੋ, ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ। ਹੀਰੋ ਦਾ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੀਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਪੋ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਰੋਪੋ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਕਾ ਮਾਛਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਸੰਤਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰੇ ਪੂਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ ਪੂਰੇ ਤੋੜ ਤੜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਜੱਫੀ ਉਹ ਜੱਫੀ ਪਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰਟਨ ਡ੍ਰੌਪ। ਤੀਸਰਾ ਸੀਨ,
हरभजन सिंह कहता है भी ये तेरे नाल नहीं जा सकती। वो कहता है मेरे नाल क्यों नहीं जा सकती, इतने बड़े खूबसूरत वर्ड ने, मतलब बड़ा ड्रामाई जहा सीन है। वो कहता है ये तेरे नाल कौन है, हरभजन सिंह कहता ना, तो वो अगों गुस्से नाल बोलता कहता तेनू नहीं पता, कहता ये तेरे नाल नहीं जा सकती, कहता क्यों नहीं जा सकती, कहता इनकी जंज जिहड़ी है ना वह बूहे ते बैठी है। अगला लफज बड़ा इंपोर्टेंट है, कहता दिया बहन जिहड़ियां ने ना वह सब दियां सांझियां होंदियां ने, इनकी जंज बूहे ते बैठी है, तो सुबह जिहड़ा नक है ना वह पूरे पिंड का कटिया जाएगा। इतने भी मल्टीपल हैडिंग बन जाती हैं, बन सकती हैं, ठीक है, मतलब पंजाब की सकाफत ये वो एक्सट्रा ना, समझ आ गई कहानी सारी। वो कहता भी तेरे नाल नहीं जा सकती, ओनू कहता कि तू मेरे गुना हट जा। वो कहता भी जे इन्हें जाना है ना तो फिर मैं इतने लेट रहा तो तुम मेरी लाश तो लंघ के जाओगे। वो कहता तू मेरे अगू हट जा, वो अगू हटदा नहीं, शमशीर सिंह तलवार कटदा है, ते तलवार कट के एक वार करदा है, ते वार करके रोपो दे दो टोटे कर देता है, खत्म। हुण रोपो नूं इस वास्ते मारदा है, हैडिंग की बन जाएगी कि भाई की जिहड़ी मुहब्बत होंदी है वह कुड़ी की मुहब्बत की हो जाती है, हावी हो जाती है। हुण पता नहीं तुसीं नोट किया या नहीं किया, मैं कहानी के विच विच तुहानूं सत अठ हैडिंगां करा छड़ियां ने, ठीक है। हुण आखिरी हैडिंग ये वे कि जिहड़ा दा नाम है वह दीवा ते दरिया क्यों, यार ये तो मैनू नहीं पता ना कि उन्हें क्यों नहीं मारिया, पूछ लैने जो फोन करना मैं तो पूछना उन्हें भी क्यों नहीं मारिया, लेकिन ना अफजल हसन रंधावा जींदा है तो ना ही शमशेर सिंह जींदा है, मैं पूछना किन्दे कोलों ये नहीं मैंने पता है ना। दीवा ते दरिया इस वास्ते रखिया है, दीवा रखिया है रोपो की वजह तो, कहिंदा है रोपो ते तुहाडे पिंड दा दीवा है, दीवा इत मैं ना एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस लगता है, ठीक है ना। ओगू कहिंदा है, कहिंदा जिंदो मारी कुड़ी है, और जिंदो कौन है, मासी की कुड़ी, कहिंदा जिंदो जईयां कुड़ियां, जिंदो जईयां कुड़ियां तां दीवा लै के भी नहीं लभदियां, ठीक है, दीवा मतलब एक खूबसूरती दी अलामत है, ठीक है, उस खूबसूरती दे बिना ते और रोपो दा नाम रखा गया दीवा, क्लियर जी। ते दरिया, दरिया रखे है, दरिया नाम रखे है सरदार सरदार उजागर सिंह रंधावे की वजह तो। सरदार उजागर सिंह रंधावा कौन सी, उनका प्यो, ठीक है। ते एसी दरिया अलामत होंगी है ताकत की, ताकत की, ठीक है ना, ताकत की अलामत होंगी है। वह कहते सन कि सरदार उजागर सिंह रंधावा तो दरिया है दरिया, ठीक है, जेड़े पासे नूं रोड़ पिया, मतलब जिधर नूं रोड़ पिया
ਉਧਰ ਹੀ ਉਧਰ ਰੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟਸ ਵੀ ਸਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟਸ ਵੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੱਭੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਪੋ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੰਧੂਆਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਵਾਏ, ਰਾਈਟਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦੀ ਕੱਢੀ, ਕੁੜੀ ਮਰਵਾਈ ਵੀ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦੀ, ਜੰਗ ਵੀ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਈ, ਰੇਸ ਵੀ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੇਤੁੱਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਿਓ ਹੈਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੀ ਕੇ, ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੀਜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਪੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਹੈ ਦੀਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਪੋ ਇੱਡੀ ਉੱਲੂ ਦੀ ਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਇਹਦਾ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਫਿਰ ਰੋਪੋ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੋਪੋ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਲਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਤੁੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਪੋ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੋਪੋ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਦਾਂ ਟੁਰ ਪਈ ਰੋਪੋ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਦੂਜਾ ਨਫਸਿਆਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਲੂ ਦੇ ਕੰਨ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਰੋਪੋ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਰੋਪੋ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਫਸਿਆਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸ਼ਰ ਚਸ਼ਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਪੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੂ ਖਰਲ ਤੇ ਦੀਨਾ ਵਿਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਹਾਕੂ ਖਰਲ ਦੀਨਾ ਵਿਰਕ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿੱਕਾ ਈਸਾਈ, ਤਾਜਾ ਨਾਈ, ਇਹ ਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਵੋ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਨ ਫੜ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾਵਲ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
अगे चलिए मैं आपको बड़े सिलेक्टेड से टॉपिक करवाऊंगा, सिलेक्टेड से वो टॉपिक तुमने नहीं सारे कर लेने हैं, उसमें तुम्हारा सारा जो है ना वो एनालिसिस हो जाएगा। हाँ सर जेब सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है इसमें। जाति राय अफसाना की होता है, अफसाना व्हाट इज अफसाना। हाँ अफसाना की होता है वेरी गुड शॉर्ट ड्रामे नु अफसाना कहते हैं, शॉर्ट ड्रामे नु की कहते हैं अफसाना कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी नु अफसाना कहते हैं जी एक सिटिंग दे विच पढ़ी जा सके। जस्ट वेट वन मिनट यहाँ पे ना 2017 में ना इनकी डेथ हुई थी। किसकी 2017 में किसकी डेथ हुई थी? अफजल हसन रंधावे की। ठीक है तो 2018 में ना 2018 का पेपर था तो 2018 में अफजल हसन रंधावे के नावल से क्वेश्चन आया था कि नावल दे किरदारां बारे अपने तसरात दसो। बड़ा सौखा जिहा सवाल थी, जिस बंदे नूं सारे किरदार हुंदे सन उन्हें सकूल नालों बेहतरीन उहदा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया सी। ओए 2019 विच वी क्वेश्चन आया सी, 2019 विच क्वेश्चन आया सी दीवा ते दरिया दा तनकीदी वेरवा करो। तनकीदी वेरवा ओही कहानी प्लाट, कहानी की सी भला दो खानदानों की कहानी, प्लाट की सी सांझा पंजाब, सांझा पंजाब। ठीक है उस बाद अगे सारियों की कहानी मुकालमे उनके किरदार, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है, मुश्किल तो नहीं है। इस तो पहले तुम मैं फिर डिस्टर्ब करो कल फिर मैं ना इन्हें बिल्कुल क्लियर करना चाहना। दीवा दरिया के किरदारा बारे खिलारवी गल करो।
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਨਕੀਦੀ ਵੇਰਵਾ ਕਰੋ। ਤਨਕੀਦੀ ਵੇਰਵਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤਨਕੀਦੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ करैक्टर का रोल भी एक्सप्लेन करना है और करैक्टर के साथ जो एक पर्टिकुलर एसोसिएटेड चीज है ना वो भी एक्सप्लेन करनी है। मसलन एसोसिएटेड चीज कौन सी है रोपो के साथ? रोपो तुहाडे पिंड दा दीवा है, दीवा। ठीक है, उस तो बाद दूजा जो किरदार है वड्डा उनके बारे की पर्टिकुलर गल, एक पर्टिकुलर गल भी नाल नाल कर दिया जाना। ठीक है, दीवा ते दरिया की गल करांगे, भाइयों के प्यार की गल करेंगे। यार मैं तुहानू हुणे तो दस्या थोड़ी देर पहले दस्या नहीं है तुहानू कि किवें करना? तुसीं बच्चे बन जांदे हो अल्लाह दी कसम। शमशीर सिंह संधु ही होए पे हो सारे, चवलिस्तान खाम खा बिलकुल ड्रामे अफसाना की होंगे। तेरे को अफसाना पढ़िया सी, अफसाना की होंगे? अफसाना क्या होता है? अफसाना अफसाना ये होंगे भाई, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਾ ਛੱਡਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਾਵਲ ਤੇ ਅਫਸਾਨੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤਿਕਰ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਦੋਂ ਅਫਸਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CSS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਾਨਾ ਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੋ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਾਨੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਫਸਾਨੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਡੈਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਯੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਵਿਦ ਮਾਈ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਮੋਨਿਕਸ। ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ? ਆਲਰਾਈਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ठीक है ना, तो जो प्यार होता है प्यार कितों होता है, दिल नाल। जो दिल नाल प्यार होता फिर बंदा की कहता है, मेरा चन। फिर बंदा की कहता है, मेरा शेर, मेरा जीवन, मेरा एक, तू मेरा कल्ला है बस, और कोई भी नहीं है। ठीक है, रिपीटिंग, शाम की होंदी है सदा, पिंड च की होंदा है प्यार, प्यार किन नाल होंदा है दिल विच। जदों प्यार हो जाता फिर बंदा की कहता है, मेरा चन, मेरा शेर, मेरा जीवन, मेरा एक ढोला। ठीक है, जो प्यार हो जाता बंदे नू ते अगला बंदा बंदे नू मुंह नहीं लांदा ते जिंदगी की हो जाती है, जिंदगी डूंगियां शामा वांग हो जाती है। जिंदगी बल्कि डूंगियां शामा दी, डूंगियां शामा दी एवें बीरी दी पुरानी दरख्त वांगू हो जाती है, एवं ही होंदा ना। I'm repeating, शाम की होंदी है सदा होंदी है, पिंड च की होंदा है प्यार होंदा है, प्यार कित्थों होंदा है दिल च होंदा है। जो किसी नाल प्यार हो जाए फिर बंदा की कहंदा है, मेरा चन, मेरा शेर, मेरा जीवन, मेरा एक। ते प्यार दे चक्कर च लाइफ जिंदगी की हो जाती है, डूंगियां शामा दी एवें बेरी दे पुराने दरख्त वांगू जिंदगी हो जाती है। रिपीटिंग, शाम सदा होंदी है, पिंड च प्यार होंदा है। ठीक है, प्यार जदों हो जाता है फिर दिल, चन, शेर, जीवन एक, ते जिंदगी डूंगियां शामा हो जाती है, ते एवें बेरी दे पुराने दरख्त वांगू हो जाती है। सो नाउ इफ आई आस्क यू टू रिपीट विद मी, सो हाउ वुड यू रिपीट दैट, शाम की होंदी है, शाम की होंदी है सदा होंदी है। ठीक है, पिंड विच की होंदा है, पिंड विच की होंदा है प्यार होंदा है, प्यार कित्थों होंदा है, दिल नाल। ठीक है, ते जदों प्यार हो जाता फिर बंदा की कहंदा है, महबूब नू की कहंदा है, मेरा चन, मेरा शेर, मेरा जीवन, मेरा एक। ते जिंदगी की हो जाती है, लाइफ दा की बनता है, लाइफ का की बनता है, डोंगियां शामा बन जाती है। ठीक है, तो जिंदगी किवें हो जाती है, किवें हो जाती है, एवें एवें बेरी दे पुराने दरख्त वांगू हो जाती है। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि तुमने 13 अफसानों के नाम याद कर लिए हैं। पेपर आएगा जब 13 अफसाने लिखोगे ना, ही वुड बी इम्प्रेस्ड, यार इसको सारे अफसाने के नाम याद आते हैं। आओ लुक इट हियर, पहला अफसाना है शाम दा पहला तारा, पहला अफसाना है शाम दा पहला तारा। दूजा है सदा सुहागन, तीजा है पिंड दा बाऊ, चौथा है प्यार दी खेड, पंजवा है दिल दा परछावां, छठा है चांदी चाननी, सतवां है शेरिया वे शेरिया, अठवां है जीवन वाले, नौवां है एक सी ते एक सी बादशाह,
दसवां है डूंगियां शमा। ये असल ते किताब का नाम भी है ते अफसाना भी है। ग्यारहवां है एवें जई कहानी। बारहवां है बेरी दी छां। तेरहवां है पुराने पानियां दी बारिश। शाम सदा पिंड च प्यार, प्यार विच दिल, दिल विच चन शेर, जीवन एक जिंदगी डूंगियां शामा एवें बेरी दे पुराने दरख्त वांगू। शाम दा पहला तारा सदा सुहागन, पिंड दा बाऊ प्यार दी खेड, दिल दा परछावां चन दी चाननी, शेरिया वे शेरिया जीवन वाले, एक सी ते एक सी बादशाह, डूंगियां शामा एवें जेही कहानी, बेरी दी छां ते पुराने पानियां दी बारिश। सो व्हेनेवर देयर वुड बी क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन के फौरन बाद ये लिख देना कि जनाब आला नवाज और 13 अफसाने ने जिन्हां दे नाम दर्ज जैल ने, उन्हें इंप्रेस करना कि सरकार मैनूं सारे अफसाने नाम याद आते हैं, बल्कि ये याद करना कि मैं जिम्मे किताब की तरतीब है मैं उम्मीद तरतीब नाल याद ने, एवं नहीं याद इन्ना मेरा रट्टा स्ट्रोंग है या मैंने दिल नाल पढ़ाई की थी। ठीक हो गया। हूं तक करने फनी ते फिक्री जायजा। ठीक है, फनी ते फिक्री जायजा। फनी ते फिक्री जायजा इन्ना सौखा है, इन्ना सौखा है ना कि सिर्फ तुहानूं कहान मैं अफसाने दस देना, अफसाने दस देना, फनी ते फिक्री जायजा तुसी एक मिनट च कर लोगे इंज करके। मसलन पहला आपां अफसाना है शाम दा पहला तारा। वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, शाम का पहला तारा का सीन है वे कि ये अफसाना इस तरह चलता है कि नवाज और ना बार बार इस अफसाने दे विच शाम का पहला तारा कढ़दे ने ते एक नवी कहानी शुरू कर देंगे ने। मतलब पहला तारा कढ़दे ने, ठीक है, ते दसदे ने कि लोकी अपने घरां नूं वापस जा रहे सन। लोकी सारा दिन दे काम कार तों बाद अपने घरां नूं वापस जा रहे ने। ठीक है, दूजा तारा कढ़दे ने ते एक कुड़ी है नूरी। नूरी घरां दे विच काम करदी है। ठीक है, ते एक दिन की होंदा है कि उन्हां घरां दा एक मुंडा नूरी दी बांह फड़ लैंदा ना, ते नूरी नूं कहिंदा नूरी तूं मैनूं बड़ी सोहणी लगनी है, ते नाल ही नूरी नूं जप्पी पा लैंदा ना, ते देन यू नो वट नैक्सट। सो क्लियर। ते बाद च की होंदा है, मुंडा ते भुल जांदा है, लेकिन नूरी बाद च की होंदी बेचारी प्रैगनेंट हो जाती है। ठीक है, ते कदी देर बाद नूरी दा की होंदा है, एक बच्चा पैदा होंदा है। ठीक है, ते सारी जिंदगी नूरी उस बच्चे नूं उसका प्यो नहीं विखा सकती। सो मैसेज सबक की सीखोगे, सबक की सीखोगे, सबक की सीखोगे, औरतां नाल होने वाली ज्यादती या कुछ भी सीख लो, या कोई होर सीख लो सबक, माड़े तबके नाल होने वाली क्रोध या वड्डे तबके दियां ज्यादतियां। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई है ना। फिर नवाज की करता है, फिर नवाज एक नवा तारा कढ़दा है। अफसाना पहला चल रहा है, फिर नवाज कहता है आसमान ते पहला तारा चमकन लग पे। इस विच की विखांदा है कि तुहाड़े तरह एक मुंडा है, जवान टिलू तरह, टिलू तरह एक मुंडा है, वह जनाब अपने पेपरों की तैयारी कर रहा है बीए की,
लेकिन किताबों के कुड़ियों दी तस्वीरां रखता है तो सारी रात कुड़ियों दी तस्वीरां वेखता रहिंदा वेखता रहिंदा है। तो तस्वीरां नूं वेख वेख के कहिंदा है कि हाए तेरे जिहड़े वाल ने ना तेरे वाल ते नवें साल दी बेवक नालों भी ज्यादा लम्मे ने। बेवक कहिंदे ने गड्डी दा जिहड़ा नवां मॉडल होंदा ना, मतलब तेरे वाल ते नवें सालां दी बेवक नालों भी ज्यादा लम्मे ने, ठीक है। या तेरी लत ते इन्नी सोहणी है कि जिन्नी एक अंग्रेज एक्ट्रेस ने अपनी लत दा 10 लाख बीमा करवाया, ये वो ना। एंड ते की होंदा कि मुंडा एंड ते फेल हो जांदा है, ठीक है, क्योंकि पढ़ता तो है ही नहीं। तो माँ प्यो कहते हैं ओए अजकल की जड़ी पढ़ाइया ने ना वो बहुत औखियां हो गई ने, मुंडे बेचारे कुछ कर ही नहीं सपा रहे, तो सारा कसूर पढ़ाइया से पा दें कि पढ़ाई बहुत औखी हो गई, ठीक है। मैसेज की मिलेगा, मैसेज की मिलेगा, डिलू रंगे निकम्मे ते वेले जवान, ठीक है। या होर मैसेज की मिल सकता है, एहसास कमतरी, एहसास कमतरी, मां बाप की सादगी। मतलब वालों कंपेयर कर रहे गड्डी गुड्डी तो ना, एहसास कमतरी ना। नवाज फिर अगला तारा कटद, ठीक है, फिर शाम का पहला तारा चमकन लग पे। ते इस शाम के पहले तारे में यह होंगे कि एक वड्डी जनानी है, ठीक है, ते उनका एक पुत्र है ते एक उनकी धी है। ते ना उन्होंने उनकी शादी की फिक्र खाई जाती कि यार किसी ने ना इन्हों की शादी इन शादी हो जाएगा ना, ताकि ये ना हो कि मेरी धी को कोई होर सैटिंग कर ले ते उनके जज्बात न कोई होर खेड़ जाए, इस तो बेहतर है कि उनकी शादी हो जाए, ठीक है। इन्हें वे लोगों की सोच या कुछ भी तुम लिख सकते हो, इस तरह तारे वगैरह चमकाते रहता है, ठीक है, समझ आ गई। हुण जो तुम बार बार पुछते सो, हुण एक ड्रामे के विचों असी चार हैडिंगां कढ़ियां ने, चार असी चार तो ज्यादा भी कढ़ सकते हैं, लेकिन तुम नंबर लैने ने 90। तो वेखो मैं तुम्हें सारे दे सारे अफसाने याद करवाए ने ना, फिर मेरा की फायदा थोड़े को मैनू, जे तुम मैनू 5000 देने का की फायदा है कि तुम्हें 13 अफसाने ना यूज करने आन। तुम एक अफसाने कोशिश करो, सिर्फ एक कहानी इस्तेमाल करो, अगू फिर होर अफसाना यूज कर लो, ताकि तुम अपने रेफरेंस के कोशिश करो कि 13 अफसाने वरतो, ताकि वह इंप्रैस हो भी सारी कहानियां दा आउंदियां ने। मेरी गल सुनो, मैं कहना यह चाह रहा, मैं कहना यह चाह रहा, बड़ी इंपोर्टेंट गल कर रहा। देखो, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टेल यू। अफसाना है डूंगियां शामा, डूंगियां शामा, ते डूंगियां शामा पूरी एक किताब है। तुसी तैयारी कितों करनी है, तुसी तैयारी करनी है अगवाई तो, जिस दे विच होर बड़िया सारिया चीजा ने। तुसी पेपर इस तरह अटैम्प्ट करना है कि जनाब मैं डूंगियां शामा पूरा अफसाना दी किताब पढ़िए। नाउ आई गैस यू गॉट व्हाट आई वांट टू से, गॉट इट? Thanks God. Proud of you, Bilal Pasha. Proud of you. Zabardast. That's what I want to you know from. मतलब बोल मिट्टी दे बावया एक किताब है, लेकिन तुसी कोशिश करनी है कि पंजो दे पंजो ड्रामे इस्तेमाल करो, उन्हों फीलिंग देवो कि जनाब मैं पूरी किताब पढ़ी है, ते मैं ए अगवाई तू एनालिसिस नहीं दे रहा, मैं पूरी किताब का तुम एनालिसिस दे रहा, ठीक हो गया। तो वेखो ऐ इन्ना मुश्किल नहीं है याद करना सब गप जे, ऐ इन्ना मुश्किल नहीं याद करना कि पिंड विच प्यार है, प्यार विच दिल है, दिल विच चाने शेरे जीवन है एक,
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ। ਪਕੀਜ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਗੁਮਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਨੇਵਾਲ ਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸੇ ਭਲਾ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਸੇ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਹਾਂ ਤਬਿੰਦਾ ਨੇ ਆਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਤਾਓ ਤਬਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਾ ਹੋ, ਸੋਬੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾ ਹੋ? ਕੈਸੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਤੇ, ਆਜ ਤੱਕ ਤਬਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸੋਬੀਆ ਨੇ ਕਭੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾ ਹੋ? ਬਾਈ ਉਨਕੋ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫਾ, ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ਰੀਫਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੀਰ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀਰ 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 ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਚਵਲ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ਰੀਫਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਤ ਗੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫਾ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਤਨੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਹੀਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਹੀਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੀਰ 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 ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਨਫਸਿਆਤੀ ਉਲਝਣਾ। ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਡਿੰਗ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਡਿੰਗ, ਮਸ਼ਰਕੀ ਔਰਤਾਂ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਅੰਨੀ ਦਾ ਉਸੇ ਚੱਕਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੀਰ ਦੇ ਚੱਕਰੇ ਚ ਹੀ ਹੋਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਿਖੱਟੂ ਮਰਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ CSS ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀਰ ਦੇ ਚੱਕਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈਡਿੰਗ ਮਸ਼ਰਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼
अगला अगला केड़ा है? अगला अफसाना केड़ा है? पेंड दा बाऊ। अच्छा पेंड दा बाऊ बहुत सिंपल जी कहानी है, ठीक है। इन्हें एक नूरी है, ते नूरी ने ना 8 जमातां पास की थी ने, ठीक है। 8 जमातों तो बाद नूरी सब तो पढ़ी लिखी कुड़ी है पेंड दे विच ना, ते सारे नूं ना बाऊ बाऊ कहिंदे ने ना, मतलब पेंड कदे जाओ ना तो उत्थे जिहड़े अपर ज्यादा पढ़िया लिखिया होगा पेंट बूट पाया उन्हें बाऊ कहिंदे ने, ते सारे उन्हें बाऊ कहिंदे ने। लेकिन तुसी ना हुण नूरी नूरी दी साइकोलॉजी समझो, नूरी दा प्रॉब्लम की है, नूरी चाहती है, नूरी जवान हो गई है, नूरी चाहती है कि मैंने प्यार करे, कोई मेरे नाल भी गल्लां बातें करे, सारे उन्होंने बाऊ बाऊ कहते हैं, नूरी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, नूरी साइको पेशेंट हो जाती है, ठीक है ना। नहीं नहीं वेयर इज ही, नहीं तुसी मेरी गल नहीं समझो। चलो लेट मी वेरी फनी, लेट मी वेरी फनी, मैं चंगा भला हैंडसम जवान सा, मैं नोवल पढ़ा रहा सा, बड़िया प्यारियां प्यारियां बच्चियां पढ़दियां सन, सारी मैं सर सर कहती रही सन, मेरा दिल कुछ होर करता सी, समझ लग गई। ओके नाउ गॉट इट, नाउ गॉट इट। 8 जमातां पास कीती है, सब तो पढ़ी लिखी है, उनका दिल सी भी कोई उन्हें प्यार करे, ठीक है, कोई उन्हें प्यार करे, लेकिन सारे उन्हें बाऊ बाऊ कहते रहते सन, ठीक है। जो तो बाऊ बाऊ कहते सन तो वो साइको पेशेंट बन गई सी बिल्कुल। इवन कि एक दिन वो आया, एक दिन वो आया कि नूरी ने कहा कि अज तो बाद, मतलब कली जा रही होंगी है, गल सुनो यार, कली जा रही होंगी है, तो उन्हें दिल ठान ली कि अज मैनू जिन्हें भी बाऊ कहा ना तो मैं पिछे मुड़ के उनकी बांह फाड़ लैनी है, जा रही होंगी, कहती अज मैं जिस भी बाऊ गया मैं पिछे मोड़ के उनकी बांह फाड़ लैनी है, तो जा रही होंगी है, पिछू आवाज होंगी बाऊ, तो वह ना फौरी होंगी ना बांह फाड़ लेंदी है, जो वेखती है तो पिछे आंदा 5 साल का निका जहा बिरा खलोता हों, तो उत्ते नूरी बह के रोन लग पी। हेडिंग की बनेगी कि फितरी ख्वाहिशात दा ना पूरा होना, ठीक है, या मतलब कह लो कि नफसियाती उलझन, उलझना भी कह सकते हो तुसी, तुसी इन्ने कमीने हो कि तुहानू मैं समझाने वास्ते किन्नी घटिया जी ना मिसाल पेश कीती है। बाकी जनाब मैं वाकई बाप हूं, मैं एक इंतहाई शरीफ मासूम और भोला भाला सा इंसान हूं, मेरा ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। समझ आ गई पेंट दा बाऊ, समझ आ गई। मैं जनाब वहां पे नवा में अल्हम्दुलिल्लाह जनाब लव लेटर जो है ना वो भी वापस कर देता था कि नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इंतहाई शरीफ आदमी हूँ, पिंड का सादा सा बच्चा हूँ मैं। ऑलराइट द नेक्स्ट इज प्यार दी खेड। प्यार दी खेड वेरी इजी, ठीक है। सीने होंदा है, हाँ हेडिंग तो बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब वो पेपर मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसी लेक्चर के बाद भी तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इज इट कैन यू। चलो प्यार की खेड़ सीन की है, प्यार की खेड़ च यूसुफ है,
ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਛੀਮੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਸਫ ਜਨਾਬ ਛੀਮੋ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੀਮੋ ਦੀ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਛੀਮੋ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਜਨਾਬ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੀਮੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਛੀਮੋ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯੂਸਫ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਉਲਝਣਾ ਯੇ ਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਦਿਲ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਜ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜ਼ੀਆ ਦਾ ਸੀਨ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਲੀਜ਼ ਹਰੀ ਅਪ। ਯਾਰ ਅਬ ਯੇ ਤੋ ਯੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਵੋ ਕਿਆ ਲਿਖਤੇ ਹੋਗੇ। ਯਾਰ ਹਰ ਅਫਸਾਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਇਟ ਸੈਲਫ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਇਟ ਸੈਲਫ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਮਾਨੂਰ ਲੇਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਬੇਟਾ, ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਨੇ ਕਬ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਔਨ। ਰਜ਼ੀਆ, ਰਜ਼ੀਆ ਕੇ ਘਰ ਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਰਜ਼ੀਆ ਉਸਕੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਜ਼ੀਆ ਦਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੈਸੇ ਵੀ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜ ਲੈਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਪੀਛੇ ਸੇ ਰਜ਼ੀਆ ਕੀ ਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਰਜ਼ੀਆ ਕੀ ਮਾਂ ਜਬ ਯੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਰੋਮਾਨਵੀ ਅਸਲੂਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨਾਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੇਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ। ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮਾ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਸੀਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੂੰ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਤੇ ਯਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਾ ਵਿਰਾਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ਼ੇਰਿਆ ਵੇ ਸ਼ੇਰਿਆ। ਸ਼ੇਰਿਆ ਵੇ ਸ਼ੇਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਜੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ। ਤਾਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੀਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦਾ ਤਾਜੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਦੇ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਅਵਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟੂਡੇ ਈਵਨ। ਕਲੀਅਰ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ ਮੈਂ ਬਸ ਅਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਤਾਊਂਗਾ ਆਪਕੋ ਸਟੋਰੀ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸਕੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੀਨ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਮਗੀਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਕੀਕਤ ਨਗਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਯੂ ਨੋ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। So that was the lecture today. I'm so sorry for that, but main kya karu jo hai to wo maine wahi padhana na, main ab kya karu, what I have to do. So take a break at 11:05. samajh aa gayi sari, clear hai? Ye to tumhe bahut samajh aayi hogi, hai na badtameezo? तो नहीं, 10 मिनट की ब्रेक है, तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। दिलू ने तो बहुत ही लगता समझ आई है ज्यादा करके। नहीं ये है, क्या 12 सर, ये क्या 12 लगा रहे हो? ऑन अ सीरियस नोट,
रेडी All right, yeah, on a serious note, I do apologies for the language, for the things. लेकिन अगर मैं तुम्हें इस तरह ना पढ़ाता तो तुम्हें इसकी वो जो क्या कहते हैं जिस्ट किसी भी चीज की होती है शायद तुम्हें वो समझ नहीं सी आनी. तो क्लियर है? या यू कैन से दैट मतलब उसकी जो रूह है ना वो तुम्हें मतलब जब तुम्हें औरत की साथ ज्यादती औरत के साथ होने वाली ज्यादतियाँ और मतलब जिसकी अंदर की रम्स है मे बी यू नॉट बी दैट एबल टू गो ऑन दैट सो अगेन इवन 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 आफ्टर दैट आई डू अपोलॉजीज राइट इफ देयर इज एनीथिंग नाउ बट द थिंग इज बेनिफिट ये होगा कि जो है ना वो समझ आ गई होगी. ऑलराइट सो हमारा जो अगला है वो भी एक अफसाना है और अफसाने का नाम है चन्ने दे ओले. चन्ना क्या होता है? चन्ना वो तो मून होता है ना. एक और भी चन्ना होता है पिलर. पिलर Yes, Munna is also one of our. Here we go. Chenne de, लेकिन उस तरह पढ़ाने का एक फायदा मैंने जरूर होएगा. मैंने पूरी तसल्ली है कि जो तुम हुने भी उन्हें अटैम्प्ट करना चाहो ना तो हुने भी अटैम्प्ट कर सकते हो. एवं उस क्वेश्चन नो पिछले नो. अच्छा चन्ने दे ओले भी अफसाने ने ते ए अफसाने ने फरखंदा लोधी दे. ठीक है इंटरेस्टिंग गल के 16, 17, 18, 19 इन्हें एक दफा भी फरखंदा लोधी दे बारे अफसाने दे बारे नहीं पूछा. गैस भी है कि मे बी अगले साल वह पूछ भी सकता है. रऊफ शेख ते फरखंदा लोधी के बारे में कदे भी क्वेश्चन नहीं पूछा. एक शेर लिखो पाओ एक एक सुख सब धर्म के चन्ने पीछे. दोबारा फिर लिखो पाओ एक एक सुख सब धर्म के चन्ने पीछे. पाओ एक एक सुख सब धर्म के चन्ने पीछे. याद हो गया जो शेर निका जा याद हो गया. पाओ एक एक सुख सब धर्म के चन्ने पीछे. चलो इन्हू हो भी ना दिल में 10 दफा रिपीट कर लो. ये असल एक नमोने के असल एक नमोने के मत पाओ एक एक सुख सब धर्म के चन्ने पीछे. दोबारा लिख लेते हैं क्या शेर है क्या शेर है. लिखवाओ पाओ
पाओ एक एक सुख सब धर्म के चने पीछे पा दे थले हेडिंग ला लो ते लिख लो पा ओ दे थले लाइन ला लो इत्थे लिख लो ओ एक दे थले लाइन ला लो इत्थे लिख लो एक एक दे थले लाइन ला लो इत्थे लिख लो एक सुख इत्थे लिख लो सब ते नाल ही एक वाला सब ना ठीक है नाल ये काफ यूज कर लो ठीक है एक तो धर्म यूज कर लो एक तो चने यूज कर लो एक तो पीछे यूज कर लो सॉरी एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ केड़ा मिस हो गया सुख मिस हो गया सुख आसान है ना नमोनिक दस अफसाने ने नाम तो हमें याद हो जाएंगे पहला अफसाना है पायदान ठीक है दूजा अफसाना है ओटा तीजा अफसाना है एक अखबारी गल चौथा है एक चुप पंजवा है सब कूड़े कूड़ क्या होता है झूठ काफ से होता है किन्नू आखां काफ से होता है किन्नू आखां धर्म से हो जाएगा धर्मी बाबुल चन्ने से चन्ने दे ओले पीछे से पिछली पढ़ाई और सुख से क्या हो जाएगा सुख नैर पाओ एक एक सुख सब धर्म के चन्ने पीछे हो गए याद नाम जी जी एमसीक्यू में आ सकते हैं लेकिन देखो वो आप खुद भी कर सकते हो ना मैं अब उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता सलमान यूसुफ साहब सुख सुख नहर नाम भूलेंगे तो नहीं एक ये याद करना है बस पाओ एक एक सुख सब धर्म के चन्ने पीछे पैदान ओटा एक बारी गल एक चुप सब कूड़े किन्नू आखां धर्मी बाबल चन्ने दे ओले पिछली पढ़ाई दे सुख नहर ठीक है बोलेगा तो नहीं ना हूं चलो हूं आप करते जाने एक एक गुण आप करते जाने मतलब पहला केड़ा आप करना पायदान पायदान की होंगे
पायदान की होंगे जिस ते पैर रख के कि मोटरसाइकिल या बस से किसी भी शहर चढ़ी दे पायदान आखिद एक कहानी हमीद दी। हमीद एक दफ्तर मुलाजिम है ठीक है ते रोजाना दफ्तर जो लेट हो जाता है। लेट होने की वजह है कि बस में रश बड़ा होता है। बस में इतना रश होता है कि उनका जो सारा सफर है वो पैदान ते पैर फसा के गुजर जाता है। तुम कभी कराची गए हो ना तो कराची तुम बसा वेखी होनी ने वो इन्ने बंदे नहीं होंगे सॉरी इनिया जिन्हें जगह नहीं होंगी जिन्हें बंदे होंगे ने तो लोगों बंद पैर ही नहीं पता चलता कि मेरा पैर कड़ा है। तो हर रोज़ ना वो लेट हो जाता दफ्तर के पिछों तो इस वास्ते ना जी उनकी ए सी आर है ना वो भी खराब हो जाती है। ए सी आर की होंगे एनुअल जब आप अफसर बनोगे ना तो हर साल आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। ये छोटा सा अफसाना है दैट्स इट। इसमें से मैसेज क्या मिल रहा है? मैसेज ये मिल रहा है इसमें कि इन्हें ना मिडिल क्लास तबके की नुमाइंदगी की थी। मिडिल क्लास तबका वो नहीं है कि जरा भुख तुम मार रहा है। मिडिल क्लास तबका वो है जिन्हें रोटी रोजी पूरी हो रही है लेकिन वो बेचारा अगे तो अगे बदलने की कोशिश कर रहा है हौले हौले। या मतलब मिडिल क्लास तबके के लोगों जो दरपेश मसायल ने उन्होंने जिक्र तुम कर लो ठीक है। समझ आ गई पैदान की? है अगे है ओटा। ओटा कहते ने ओले इन्दे विच है एक मुंडा दस्तगीर ते दस्तगीर दी मां है फामा। दस्तगीर का अब्बा जरा इंतहाई निकम्मा आदमी सी सारी जिंदगी बेचारी जी फामा है ना वो काम करती रहती। तो ये गल वेखी होगी कि जेडे थलवे तबका होंगे ना थलवा तबका उनकी बेचारी जी औरत होंगी है वह बचपने भी काम करती घर जवानी विच भी काम करती है ईवन के बुढ़ापे विच भी काम कर रही होंगी है। जो मर्द होंगे ने मर्द तो होंगे ने पर कफील नहीं होंगे तो उन्होंने बेचारिया ने ना बस लोगों डराने वास्ते ना लोगों डराने वास्ते ना बस शादी की होंगी कि पता हो विआई हुई है। होंगे की है कि दस्तगीर शुरू तो प्यो के हालात वेखता है तो कहना भी मैं तो जरा ना अपनी जी बुढ़ी है ना इन इंज नहीं रहन देना तो बड़ा काम खराब है तो मैं अपनी बेगम सारी सहूलियात मुहैया करा अनाल दैट। शादी हो जाती है दस्तगीर की फामा नाल सॉरी नजीरा नाल। कुड़ियां अजकल मम्मी डैडी हो गई ने कोई नाम नहीं रखता फामा नजीरा रख लेंदी है किसी का रखिए नाम अलीशा का रख दें अलीशा का नाम कर देने फामा। अच्छा इकरा का नाम रख देते हैं नजीरा ठीक है इकरा। अच्छा सीन क्या होता है? सीन क्या होता है? सीन ये होता है कि जैसे शादी होती है ना जैसे शादी होती है ना तो फामा दस्तगीर को कहती है कि ना मलकान के घर एक नौकरी पई है ठीक है
ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਰਾ, ਤੇ ਇਕਰਾ ਸਾਡੀ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਜੀਰਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਯੇ ਵੋ। ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਖੇਹ ਤੇ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਫਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਂਡੇ ਬੂੰਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਈਵਨ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਗੀਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਉਹ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਰੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਨਜ਼ੀਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਾਮਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਨਾ ਦਸਤਗੀਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਜ਼ੀਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੱਟੀ ਨਾਲਦਾ। ਉਹੀ ਐਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਖੱਟੂ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂ, ਥਲਵੇਂ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਹੈਡਗਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਹਨ ਖੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਹਨ ਖੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੇ 20 ਹੈਡਗਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰੀ? ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ? ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਫਰਗੰਦਾ ਲੋਧੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਈ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਈ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹੈਡਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਮੌਜੂਆਤ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾ ਲਓ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਜਾਂ ਪਾ ਲਓ ਔਰਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ।
क्लियर हो गया है? अगला केड़ा है? अगला केड़ा है? पाओ एक एक सुख। मैं आपको क्या बताऊं कौन सा होता है केसरी? केसरी कौन सा होता है? मजेदार है ना पंजाबी, मुश्किल तो नहीं है ना, गप्पे ही है ना सारी यार। बस तो मैंने करना सिखा दी है, नाउ इट्स ऑन यू। मेन थिंग है बस मुश्किल ये होती है कि करनी कैसे है, बस अब तो मैंने करनी सिखा दी है एंड दैट्स इट। अगला कौन सा है? एक चुप। एक चुप में ये जो जागीरदराना निजाम है ना, जागीरदराना निजाम दिया कबाहतां दा जिक्र है। हेडिंग की दोगे जागीरदराना निजाम दिया कबाहतां, डिटेल की में शुरू करोगे कि फरखंदा लोधी नू ना सिर्फ शहर दी मिडल क्लास जिंदगी का पता सी, बल्कि फरखंदा लोधी नू पिंड दी रैतल बैतल दा भी पूरा अंदाजा सी। फरखंदा लोधी अपने अफसाने एक चुप विच कहंदी है। हुण वेखो अगर तुहानूं इत्थे कहानी पता होगी तो आटोमैटिकली फिट हो जाना। हुण कहानी दसा, कहानी की होंगी इन विच? कहानी जनाब इन ये होंगी कि एक कुड़ी चनू, तेनू होंदा है सेपी। सेपी का पता की होंदा है? सेपी जो मजारा, ठीक है। चनू की 16 साल की एक जवान कुड़ी होंदी है, ठीक है, जिंदा नाम होंदा बखो। बखो ठीक है। सीने होंदा है कि जिहड़ा जागीरदार दा पुत्र होंदा ना, उहदा नाम होंदा निक्की सरकार। निक्की सरकार एक दिन की करदा है कि उन्हां दे घर होंदा है, चन्नू और दे घर होंदा है, ते चन्नू नूं ना किते काम भेज दिंदा शहर, ठीक है। बाकी कौन बच जांदी है? बखो। ते कहंदा बखो तू ना मेरे नाल चल। ते ओह कहंदी वी मैं तेरे नाल क्यों चलां? ओह कहंदा है कि तेरे प्यो नूं ना पुलिस फड़ के लै गई है, तेरा इत्थे घर ना कला रहना ठीक नहीं है। तो फिर जबरदस्ती उन्होंने ना अपने घोड़े ते बिठा लेंदा, ठीक है। जो तो उन्होंने जबरदस्ती घोड़े ते बिठा लेंदा ना, फिर देखो आई एम वेरी सॉरी टू से, कुछ खुशी ना बखो ने भी होंगी अंदरों अंदरों ना कि मैं निक्की सरकार नाल बैठी हैं ऑल दैट। आई डोंट वॉन्ट टू मैंशन इट अगेन अगेन, जस्ट ट्राई टू फील इट कि थोड़ी बहुत खुशी ना बखो ने भी होएगी दिलों दिलों ना, ठीक है। तो मतलब तुम एवं का कोई फिकरा लिख सकते हो कि एक खुशी सी जेड़ी बोलन नहीं सी देंदी, ठीक है। एक दुख सी
ਜਿਹੜਾ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਖੋ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੁਖ ਨਹਿਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਲਾਹੌਰੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੱਥ ਜ਼ਰਾ ਖੜੇ ਕਰੋ ਨਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਲਾਹੌਰ ਇਕਰਾ ਸ਼ੁਏਬ ਹਫਸਾ ਆਇਸ਼ਾ ਅਮਨ ਅਮਨ ਜਵੇਦ ਇਸਕਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋ ਪਤਾ ਸੁਖ ਨਹਿਰ ਕਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਸੁਖ ਨਹਿਰ ਕਾ ਕਹਾਂ ਪੇ ਕਹਾਂ ਪੇ ਸ਼ਲਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਆਗੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸ਼ਲਮਾਰ ਸੇ ਜਹਾਂ ਪੇ ਵੋ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਸੁਖ ਨਹਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਵੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨਮੇ ਨਰਗਿਸ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਬ ਨਰਗਿਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕਾਮੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮਰਦੋਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਖਿਲੌਨਾ ਬਨ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬਸਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਯੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋ ਉਸ ਏਰੀਆ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸੀ ਚੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਓਰ ਰੈਡਿੰਗ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਲਿਖ ਲਵੋ ਕੜਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਯੈਸ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਰਹਿ ਸਹੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਆਪਨੇ ਅਫਸਾਨੇ ਕਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੋ ਅਫਸਾਨੇ ਕਾ ਨਾਮ ਔਰ ਉਸ ਅਫਸਾਨੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਐਟਲੀਸਟ ਏਕ ਦੋ ਵੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਸੇ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮੇ ਨਾਮ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਧਰਮੀ ਬਾਬੁਲ ਧਰਮੀ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਧਰਮੀ ਬਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਗਮ ਜਾਨ ਹੈ ਤਵਾਇਫਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਮੀਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਫੈਜ਼ੂ
फैजू बेगम जान दा आशिक सी ते फैजू कोलू जिन्ना सारा कुछ सी उन्हें बेगम जान ते लुटा छड़िया ते बाकी बच गई फैजू दी धी जमीला। फैजू एक दिन मजबूर हो के सारा कुछ लुटा के बेगम जान दे कोठे ते चला जांदा है। तो बेगम जान को ना कुरान ते हाथ रखा के कहंदा है कि चलो मेरा तो सारा कुछ लुट गया है ते मैं पत्नी मर जावांगा, तू एक काम करी कि जिहड़ी मेरी दीद जमीला है ना इनकी शादी ना किसी शरीफ घर च कर देवी। बेगम जान नू की परवाह सी भी किसी घर च होवे या ना होवे। बेगम जान ने की किया, बेगम जान ने उनका बगैर किसी तहकीक किए जमीला जो विआह है ना वह नज़ीर नाल कर छड़िया। नज़ीर बड़ा गंदा बंदा थी, ठीक है, जो ही उनकी बेटी पैदा हुई लुबना ते नज़ीर दी ओही सस्ती गल जरा हर सस्ता मुंडा कहता है कि तू औरत ही ठीक नहीं है, ठीक है, तो कुराने पाक च हुक्म है कि चंगे मर्दा लई चंगियां औरतां ते मंदे मर्दा लई मर्दियां औरतां, ते लिहाजा तू मेरे वास्ते नहीं बनी ते तू मेरे घरों निकल जा। ते वो केस करवा के लुबना नूं अपने कोल रख लैंदा है। ते बाद जो लुबना लुबना थोड़ी जी वड्डी होंदी है, ठीक है, ते वह बंदा जिहड़ी इह गल कर रहा सी वह बाद लुबना नूं भी वेच दिंदा है। जो लुबना वेचता है तो फॉर्चुनेटली लुबना जो बंद खरीदता इलम दीन वो इलम दीन ना लुबना बेगम जान के कोठे ते लैके आ जाता है। तो जू ही जमीला वेखदी है उन्हों लुबना तो फौरन जमीला अपने गल ना ला लेंदी है तो कहती है कि हाय मेरी जमीला जी ना इन्नी वड्डी हो गई है। अगेन जिन्या मर्जी हैडियां कर लो। हाँ तो मैं एक गल जरूर दसांगा तुहानू, एक हैडिंग होंदी रोमानियत। हुण रोमानियत की होंदा है? रोमानियत यह होंदा है, रोमान यह होंदा है कि जदों लिखण वाला समाजी बुराइयां नूं अपने दिल विच समेट के जिहड़ियां बहुत ज्यादियां कौड़ियां ते कसीलियां हकीकतां होंदियां ने उन्होंने अपने दिल में समो के थोड़े कम उन्हें दर्द नूं थोड़ा जिहा कम करके ना लोगों के सामने पेश करदे नूं कहिंदे ने रोमानियत। हुण यह बहुत दर्द वाली गल है, इन्हें शदीद दर्द है, लेकिन उन्होंने रोमानियत के जरिए खुद ते उस दर्द नूं महसूस किया है। फरखंदा ने खुद ते उस दर्द नूं महसूस किया है लेकिन रोमानियत दे रंग नाल कोशिश कीती है कि मेरे कारी नूं ओ दर्द कम होवे। Got it or not? अच्छा, फरवा इमदादुल्ला, रोमानियत ये होती है कि जब लिखने वाला जो असल दर्द है उन्हों अपने दिल विच समो लवे ते उस दर्द नूं इस तरह बयान करे रोमानवी रंग विच कि जिहड़ा पढ़न वाला है उस नूं ओ दर्द कम महसूस होवे। दर्द ते कम महसूस होवे लेकिन लेकिन उस तक जिहड़ी असल गल है वह भी पहुंच जावे, उन्हों दर्द भी कम महसूस होवे। हुण समझ आई? ठीक है। अच्छा यार, नमोनिक्स दे विच कोई मसला है? नाल नाल नहीं याद हुई तो नमोनिक्स, सिंपल जी नमोनिक्स से पाओ एक एक सुख सब दर्द के सब उसके धर्म के उल्ले पीछे उल्ले सी चन्ने दे उल्ले। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मसला होना चाहिए। चन्ने दे उल्ले की है जनाब? चन्ने दे उल्ले है करमली,
ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੋ ਬਿਰਾਹ ਸਨ। ਕਰਮਲੀ ਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਸੂਬਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਚ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਵਿਦ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 90 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ 90। ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੂਬਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਬਸ। ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੂਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਖੁਆਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਲੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਨਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਾ, ਸੂਬਾ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁੱਸਾ। ਸੂਬਾ ਨੇ ਚਾਕੂ ਫੜਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਗੱਚ ਗੱਚ ਗੱਚ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਮੁੰਡਿਓ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਡਿੱਲੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਿੱਲੂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਚੰਨੇ ਦੇ ਓਲੇ ਮੀਨ ਚੰਨੇ ਦੇ ਓਲੇ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਚੰਨੇ ਦੇ ਓਲੇ ਮਤਲਬ ਊਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਓਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਚਲੋ ਬਸ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਪਿਛਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਵੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਫਿਰ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਹੁਣ ਅਫਸਾਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਾਚੀ ਮੇ ਕੌਣ ਸਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਮੇ ਤੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਵੀ ਕਾਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥੀ, ਇਹ ਤੋ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਮੁਫਤ ਕੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਇਹ ਤੋ ਮੁਫਤ ਕੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਕੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ
मास्टर जी ने सब नू पढ़ाया रजो रजो चूड़ी दे अठ मुंडिया नू मास्टर जी ने पढ़ाया ते सारे जनाब बाहर शिफ्ट हो गए, बेहतरीन मजेदार काम हो गया। ठीक है, मास्टर जी ने अनायत कबाड़ी नू पढ़ाया। ठीक है, अनायत कबाड़ी नू पढ़ा के सब दी जिंदगी जड़ी खुशगवार हो गई। लेकिन मास्टर जी दी जड़ी कसम पुरसी वाली जिंदगी सी वो उवें दी उवें रही, उंदी जिंदगी च कोई भी तब्दीली नहीं आई, क्योंकि उन्होंने किसी ने बाद पुछिया ही नहीं। जिवें कल तुहाडा सीएसएस पास हो जाना है, तुसीं कहना मैं तो बस जनाब सिर्फ 3 महीनों में मैंने तैयारी की है और मैंने किसी से कोई गाइडेंस ली, मैंने सारा कुछ खुद पढ़ा है और ये मेरी सेल्फ एफर्ट है, बिलाल पाशा के पास तो ली नहीं मैंने क्लासेस। Alright. So next is सब कूड़े, सब कूड़े। लेकिन मुझे तो बिल्कूल चाहिए भी नहीं रिकग्निशन, क्योंकि मैं टीचिंग को एज ए प्रोफेशन चलाना भी नहीं चाहता, मैं तो बस इसको छोड़ना चाहता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल। टीचिंग यार बड़ा इतना आसान नहीं है, तुम्हें ये जो लेक्चर इतने आसान लग रहे होते हैं ना, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, तो इट्स नॉट दैट इजी। और 3 घंटे एंगेज करना खाला जी का वाड़ा नहीं है, जोर लगता है। अच्छा आखिरी पढ़ो सब कूड़े। सब कूड़े च की सीन है कि रुस्तम बड़ा वेला बंदा है, उनकी सवानी जड़ी है वो फौत हो जाती है, ते उनकी एक धी होती है जिंदा, रुस्तम की चाहता है कि वो अपने विटे दे विच ना, अपने विटे विच जिंदा नू किसी होर नू दे देवे ते अपनी शादी कर लवे। ठीक है, धी दा नाम है जिंदा, विटे दा पता ना, विटे दा विटा सिटा नाम सुने, वट्टा सट्टा, बच्चे जो हमने शानजा को 47 सीडीपी में जलील किया है ना, वो भी सिर्फ हम भी जानते हैं, हमने तो उसका मजाक बनाया हुआ था, मेरी जनाह उसमें थी ना, तो हम तो उसको तंग करते थे, मैडम 3 महीने में कैसे कर लिया आपने तैयारी, कैसे मतलब जलील हो गई थी बेचारी, फिर वह इन दैन मान गई कि बस यार ऐसे मुंह से निकल गया था, अब क्या है। अच्छा सीन क्या हुआ है कि लेकिन यहाँ पे ना इसकी मासी थी, जो जिंदा की मासी दौला, मासी दौला ने क्या किया, वो जिंदा नो अपने नाल लेके आ गई। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बड़ी आपकी डिफरेंट हेडिंग बनने वाली, इसको ध्यान से सुनो। रुस्तम सवानी फौत हो गई, दीद नाम है जिंदा, जिंदा ने वट्टे जो खुद शादी करना चाहता सी, लेकिन उनकी मासी सी जिहड़ी दौला जिंदा नू ओह नाल लैके आ गई, ते उन्हें ना दौला ने ना अपने एक पुत्र नाल उनका विआह कर छड़िया, विआह नहीं मतलब क्या कि वड्डा होएगा तो मैं इन्हां नाल शादी कर दांगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पुत्र फौत हो गया। ठीक है, सीन ये होया कि एक उनका छोटा पुत्र सी दौला का, उन्हें दूजे पुत्र नाल उन्हें कहा खैर छोटा है तो खैर है, लेकिन मैं जिंदा नू अपने कोल रखना है। सीन यह है कि दूजा पुत्र भी फौत हो गया, ते दौला मनहूस मशहूर हो गई कि दौला तो बड़ी मनहूस है। ठीक है, इन्दे तुसी तोहम प्रस्ती लिख सकते हो, हालांकि फौत हो गए तो जिंदा ने थोड़े ना मारे ने, जिंदा कि उन्होंने उत्ते पै गई सी, बस मर गए तो मर गए की है हुण।
एक पीर साहब आंदे ने, पीर साहब का जनाब नाम है शाह मुर्तजा साहब। शाह मुर्तजा साहब जनाब आंदे ने ते वह सब नू मुरीद कर रहे होंगे ने, ठीक है। लेकिन जो जिंदा की वारी आती है तो जिंदा बेचारी मरी मराई कुड़ी होंगी कालो जी, तो पीर साहब कहते नहीं 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 इनू तो मैं मुरीद बनाना ही नहीं। तो बाकी जीडिया सोहनिया सोहनिया कुड़ियां होंगे ने पीर साहब उन्होंने हाथ से हाथ पाड़ के उन्होंने जनाब मुरीद बना लेंगे ने, तो जिंदा मुरीद बनाते नहीं, ठीक है। तो अलहदी अलहदा बन जाएगी झूठे पीर की निंदा। सो आई डू होप देर वुड हैव बीन मेनी मेनी एंड मेनी हेडिंग्स। ऐसे ही है पीर की निंदा। So today was sixth class. I'm very 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 happy के हम इंशाल्लाह मुझे मुझे लगता नहीं था, लेकिन आई डोंट नो कि ये कैसे हो गया कि हम इसको आठ में ही खत्म कर लेंगे। So your next class would be on Wednesday. ठीक है, तो मेरे ये as a big brother, ठीक है, as a senior, ये मशवरा है तुम लोगों को कि पुत्र इसको आज याद कर लोगे ना या कल अर्ली इन द मॉर्निंग याद कर लोगे ना तो ये कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये मुफ्त के नंबर है, मुफ्त के, लिटरली ये मुफ्त के नंबर है, बिलीव यू मी। गुड़िया इसमें क्या रिपीट करूं, ये आप पढ़ना तो खुद ही आपको पता चल जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। चलो जी ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। हाँ टिप क्या दे जाऊं, कोई टिप ही नहीं है यार, बस रिपीट कर लो तो दैट्स इट। बाय बाय। सर से चुनर को छू के तूने कर दिया अंबर सारा, जाने न जाने लोग न जाने मुझको तो रब का जमाया, ना छेड़ मुझे ना